और कुछ नहीं किया भैया, सिर्फ ये राजनीति की है। हम लोगों को सिर्फ जाति में बांटने का काम किया, कैसे भाई को भाई से अलग किया जाए, कैसे बनाना को बनाना से अलग किया जाए, कभी दलित को महान दलित, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा, कभी अगड़ा कभी पिछड़ा, कभी लव कभी कुछ, कभी कोरी कभी कुर्मी, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी महिला कभी पुरुष, सिर्फ बांटने का काम किया। और इन्होंने बांटा, हम लोग बढ़ते भी गए, पर बढ़ने के बाद क्या मिला हम लोग को? आज भी हम लोग के हालात वही के वही है, बल्कि और बदतर होते जा रहे हैं, और बिहार बदहाली की कगार में जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे भैया, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, हर विकल्प के मापदंड में सबसे पिछले पायदान पर बिहार है। शिक्षा की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, पर बिहार पहले पायदान पर कब चला जाता है? जब अपराध की बात होती है, जब भ्रष्टाचार की बात होती है। बोलते हैं ना मुख्यमंत्री जी कि भैया करप्शन से कोई समझाता नहीं, जीरो टॉलरेंस है करप्शन से। हम लोग को आप हकीकत बताइए, क्या बिहार में कोई भी काम बिना घूस दिए होता है? क्या होता है कोई काम? तो जब हर चीज में घूस देनी पड़ती है, हर चीज में भ्रष्टाचार है, भाई बिहार आज देश के सामने बदनाम क्यों होता है? क्योंकि सुर्खियां सिर्फ गलत कारणों से बिहार बनता है। आप चले जाइए बड़े बड़े अखबारों में देखिए, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे देखिए, तो बिहार खबरों में क्यों आता है? क्योंकि बिहार में बना हुआ एक पुल हवा से गिर जाता है, बिहार में बाढ़ चूहे को डर जाते हैं, आए दिन यहाँ पर हत्याएं होती है, लूटमार होती है, डकैती होती है, और अपहरण का उद्योग यहाँ पर फिर से शुरू हो। ये परिस्थिति बिहार की बनी हुई है, इसीलिए साथियों यह आग्रह करने का है, जरूरी है ऐसे नेता ऐसे राजनीतिक दल को चुनने की जो सही मायनों में हम लोगों की बात करे, हम लोगों के विकास की सोच रखे, जो पूरे बिहार को आगे लेकर जाने की सोच रखे। और इसी सोच के साथ मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का निर्माण किया। आज मुख्यमंत्री जी डरते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, डर लगता है उनको कि अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट धरातल पर उतर गया तो बिहार विकास की राह पर आगे चलेगा, बिहार के युवा पढ़ लिखकर जागरूक हो जाएंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से सवाल करता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री हर कीमत पर चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे भैया? हमारे परिवार को तोड़कर चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया गया, हमारी पार्टी को तोड़कर चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया गया, और तो और हमारी माँ हमारी बूढ़ी नानी जो बोल चलती थी, आज तो खैर वो इस दुनिया में भी नहीं है, उनके साथ हमारा समाज सड़क पर फेंकवा दिया गया ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग सोचते हैं चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं भैया कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, ना टूटने वाला हो ना झुकने वाला हो, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं, सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। परंतु मैं साथियों ये भी आग्रह करूंगा, मैं जानता हूं चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता, चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग, आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव गांव घर घर संभवता हर एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बताइए बनेंगे चिराग पासवान? कोई आप उठाकर बता देंगे बनेंगे चिराग पासवान? साथियों ये बात नहीं हो,
और अंत में ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूँ कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, और जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से इस चिलचिलाहट की धूप में, इतनी गर्मी में आज जब कार्यक्रम लगा और हम जब पटना से निकले, भैया आप देखिए 41 डिग्री का टेम्परेचर, हम बोले इस टेम्परेचर में इतनी धूप गर्मी में कौन आएगा भैया, पर आज यही ताकत है हमारी और यही और हकीकत है आप लोग के सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे चाचा हैं, आप ही हमारे भाई हैं, चाची आप ही हमारी चाची बहन माँ सब आप लोग हैं, हमारा कोई नहीं है। बस ये प्यार या आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए। बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।